आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। स्टीम मोमो, फ्राइड मोमोज आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुरकुरे मोमो भी मिलेंगे। 16 साल पुराने ये इनके कैफे है। हाँ, टेस्टी है, वाओ वाओ। अरे स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो है फूड से रिलेटेड। हम आए हैं घूमते हुए यहाँ पे फूड पंडा और जो है आशियाना में इमरान मोड़ के जस्ट सामने। तो इनके फूड पंडा में जो मोमोज है उसकी तो बात ही अलग है भाई, सभी लोग यहाँ पे टेस्ट करने आते हैं। तो आ गए हैं हम यहाँ पे और साथ में है ओनर की बेटी जो हमें बताएंगी कि कैसे इनके पापा डिलीशियस फूड बनाते हैं और साथ में और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी कुछ है, जैसे चिली पोटैटोज हैं और फ्रेंच फ्राइज है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे खा सकते हैं। स्टीम मोमो, फ्राइड मोमोज आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुरकुरे मोमो भी मिलेंगे। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं यशी से। यशी, तो आई एम आशी एंड शी इज राशी, नहीं याशी, आई एम आशी एंड शी इज यशी। तो यशी बताइए कि आपके पापा कैसे मेहनत करते हैं और आपको अच्छा लगता है पापा के काम से? वो 5 बजे से करके पूरा 11 बजे तक करते हैं, मुझे उनकी मेहनत पर नाज है, वो नाज है। तो पापा क्या क्या फूड में रेडी करते हैं? वो जैसे कि पनीर मोमो जैसे रेडी किया होता है, हाँ। तंदूरी मोमो, स्टीम मोमोज और स्वीट चिली मोमोज, और जैसे जो मैं चाउमीन वो बनाते हैं, उनके चाउमीन का कोई बोलने का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब तोड़ नहीं है, राइट? यस। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे अच्छा पनीर मोमोज अच्छा लगता है, स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चाउमीन भी? हमें तो यहाँ के मोमोज, नूडल्स और जो इन्होंने बताया मुझे फ्रेंच फ्राइज भी बहुत पसंद है यहाँ का। तो आप लोग को भी यहाँ पे आना बनता है, एमराल्ड मॉल के जस्ट सामने फूड पंडा मोमोज पॉइंट है। तो हम लोग अभी डिस्क्लोज करेंगे यहाँ की रेसिपी भी कैसे है, और देखिए स्पेशल चीज़ नहीं बता सकते क्योंकि इनकी रेसिपीज में कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको अलग जगह पे नहीं मिलती हैं। तो अभी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, उसे भी दिखाएंगे कैसा है टेस्ट और कैसा है उसका, हाँ। बाहर का लुक। कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ। क्या वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी स्टाइल फूड का वो भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी वो नहीं लगेगा आपको अंदाजा कि ये स्टाइल फूड है, इतना ताज़ा जैसे बना कर देते हैं वो। ये पोल खोल रही है, कह रही है स्टील फूड नहीं पता चलेगा, पता चलेगा फ्रेश फ्रेश है, लेकिन एक्चुअली फ्रेश है। जो हम लोगों ने पहले बातचीत की है तो पता चला है यहाँ पे जो बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही ना घर से भी जो बना के लाते हैं यहाँ भी बनाते हैं, वो फ्रेश फ्रेश होता है। तो मिलते हैं आपको आगे। तो आप यहीं का फूड खाते हो क्या? पापा का बनाया हुआ? मम्मी का बनाया नहीं पसंद है? नहीं खाती हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ। खाती रहती हूँ। क्या मम्मा क्या बनाती हैं? मम्मी दाल चावल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, हाँ, वही रोटी बस। आपको पसंद नहीं है? पसंद तो है पर कभी कभी कुछ ज्यादा तीखा बना देती हैं। ये अफसोस है, देखिए कभी कभी तीखा बना देती हैं। तो यशी आज हमारे साथ यहाँ का फूड ट्राई करेगी, वो खुद बनाएगी पापा यहाँ का फूड कैसे बना रहे हैं और कितना डिलीशियस बना रहे हैं। बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं आपको फूड के साथ। ओके बाय बाय। यहाँ का टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक साल हो गया, एक साल हो रहा है। तो अंकल के मोमोज और ये आप खा रहे क्या अभी? चिली पोटैटो। तो और कहीं खाते हैं? ये भी खाते हैं? यही खाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए खाया जाए कैसा बना है। बिल्कुल चलिए खाया जाए कैसा बना है। तो यार सच में जैसे पहली बार ली हुई तो गरम गरम है लेकिन मज़ेदार है। और जैसे कि यशी ने बताया, क्या बताया था आपने, मेयोनीज और चटनी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही, सॉफ्ट भी है, जैसे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। ये देखो ये कुछ और फूक कर आई है लग रहा है। नहीं लेकिन अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, आप यहाँ पे आके ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना, ये स्पेशली ट्राई करना, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। तो लाइक करिए, हाँ बिल्कुल, लखनऊ में घुमक कर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। गुड गुड। तो ये फूड है, आप लोग ये ट्राई करिएगा। नेक्स्ट फूड हमारा आने वाला है क्योंकि ऑर्डर बहुत सारे किए हैं और हमें यहाँ पे शो करना है आपको कितना अच्छा फूड है। बाकी डिस्काउंट जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करेंगे हम।
आइए जरूर, ये ना समझिएगा हम लोग ऐसे ही बोल रहे, बहुत अच्छा है। सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो भाई साहब हमारे लिए रेडी हो रहा है अभी कुरकुरे मोमो। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने बाकी चीज़ें भी ना खानी शुरू कर दी हैं, तो अभी ये हमारे लिए स्पेशल डिमांड पे हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि कैसा होता है यहाँ का टेस्ट, क्योंकि बाकी जगह पे खाया है वो भी अलग है, और जब यहाँ का टेस्ट स्पेशल है तो आई थिंक ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। तो ऐसा तो लग रहा है कि ना लड्डू, लेकिन लड्डू कभी तेल में नहीं तले जाते, देखते हैं कैसे आते हैं। काफ़ी अच्छा टेक्सचर लग रहा है इसका। ये बहुत ही अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि कोई बता नहीं सकती हूँ, वरना सबको पता चल जाएगा। तो इधर आशी दीदी ने इतना दिखा दिया है, देखते हैं आपको मुंह में पानी आ रहा होगा जरूर। बहुत बदतमीज लड़का है, जान निकल जाएगी। हाँ, टेस्टी है, वाओ वाओ। ऐसा नहीं वाला बेटा, पनीर वाला हो गया। इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, इसे तो जरूर खाइएगा इसे भी, क्योंकि ये ना हमारी दुकान का ये भी बहुत पॉपुलर है, तो इसे भी खाना इतना मेरा बोलिएगा। ऐसे आपके लिए वो सजावट के लिए बना होगा और बहुत टेस्टी भी है। तो मैं भी ट्राई करूँ? हाँ करिए। तो अभी हम भी टेस्ट करके देखने जा रहे हैं कि स्वाद कैसा यहाँ का पॉपुलर है। अच्छा है, बढ़िया है स्वाद। तो आपको, अगर आप पसंद करते हैं नूडल्स तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यशी को तो बहुत पसंद आया है, और आज यशी ने बहुत ज़्यादा भी इधर ना फूड ट्राई कर लिया है ना। हाँ। कह रही थी आज पापा के यहाँ पे हम सारा कुछ ट्राई करेंगे। हाँ। है ना, तो आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है। मम्मा डांट रही थी? नहीं, नहीं डांट रही है। नहीं। मम्मा डांटी है क्या? बहुत खा रही है ये। तो फूड काफ़ी अच्छा है, आप लोग को यहाँ पे ट्राई करना बनता है। और अगर यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं वो कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड करूँगी, वो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि फूड फंडा मोमोज पॉइंट है। तो मोमोज पॉइंट का मोमोज यहाँ का अलग ही स्वाद है। फूड का फंडा तो होता ही है ज़रूर, यहाँ कोई आता है बहुत लेकर जाता है। और ये ना सोचिएगा यहाँ पे जैसे कि इतना बासी खाना बनता है, यहाँ पर इतना जो ऑर्डर मिलता है वैसे तो मना कर दिया जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं होता है स्ट्रीट फूड का। तो फ्रेश फूड है, आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रेश फूड, और इनका मोमोज ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं वो A1 है, तो ट्राई करना बनता है। बने रहो व्लॉग में, डिस्काउंट बताएंगे हम। तो वही आ गई है हमारे लिए पनीर मोमो, और जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप इसको विदाउट चटनी खाएंगे तो उसका टेस्ट पता चलेगा। ऑलरेडी मैंने 2-3 ट्राई कर लिए हैं, तो ये है इसकी फीलिंग जो काफ़ी अच्छी लग रही है। पनीर भरा सा है बहुत सारा, तो अभी हम इसको ट्राई करने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट बताते हैं वो कैसा है। सॉफ्ट है, मतलब ऐसा है कि हाँ घुल जाने वाला टेस्ट है, तो मज़ा आ रही है खाने में। आपको अगर ट्राई करना है पनीर मोमो यहाँ का तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि है टेस्ट है, मज़ेदार है। घर का खाना आ गया हमारे लिए स्टीम मोमो, जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मज़ेदार है एकदम। तो हम थोड़ा ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा ट्राई कर लिया, थोड़ा थोड़ा खाएंगे वरना फैट हो जाएगा मेरे भी, और मोटे हो जाएंगे हम, फिर कॉम्पिटिशन कौन करेगा हमसे। टेस्ट A1 है, मज़ा आ गई खाकर, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे खाते रहते हैं, तो आज हम ब्लॉग इसीलिए कर रहे थे रहे। तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो मतलब आपको अगर
₹100 की कॉस्ट आ रही है, तो उसमें ₹100 का हिसाब से जो भी 10% का निकलेगा वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये है डिस्काउंट आज का। और अभी आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनका क्या रिस्पांस रहता है आपके पास, ये कैसा है, टेस्ट है कैसा है? काफ़ी अच्छा। तो कब से हैं आप यहाँ पे? हमें यहाँ पर 16 साल हो गए। 16 साल पुरानी ये इनकी कैफ़े है। और एक्चुअली टेस्ट डिलीशियस है, हम लोग खुद भी यहाँ पे ट्राई करते हैं और आए दिन यहाँ पे बैठते हैं। तो 16 साल पुरानी शॉप है ये, आप यहाँ आके टेस्ट कर सकते हो। और सर का नेचर एक्चुअली ऑसम है, मतलब आपसे एकदम फ्रेंडली रहेंगे। यहाँ पे आइए, फूड फंडा मोमोज पॉइंट एमराल्ड मॉल के जस्ट सामने। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने फूड के लिए और लोगों को बुलाने के लिए, बताइए। तो कैमरा शायद लोगे, लेकिन टेस्ट ऑसम है। आप यहाँ पे आके बैठेंगे ना, अगल बगल वाले भी बता देंगे। आज तो काफ़ी लोग नहीं हैं, लेकिन हम स्टोरी पे रिव्यू ज़रूर शो करेंगे आपको। हम लोग आते रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी हम लोग से मिल चुके हैं, हमने ऑलमोस्ट उनसे फेस टू फेस बात की है, और उन्होंने यही बोला है कि हम यहाँ से 10 साल पुराने, ऐसे मतलब 10 साल बताया उन्होंने कि हम लोग खाने के लिए आए हुए हैं और टेस्ट ऑसम है। तो शाम के टाइम आएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। दिन में आप आते हैं तो 2 बजे के बाद ही यहाँ पे सर मिल पाते हैं आपको। 190। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आइए टेस्ट करिए यहाँ पे और बताइएगा कैसा है टेस्ट। तो अभी हमारे पास एक आए हैं जो अंकल के क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, जो आए दिन खाते रहते हैं यहाँ पे। तो सर बताइए टेस्ट कैसा है यहाँ पे? टेस्ट बढ़िया है इनका, और हम लोग 4 साल से खा रहे हैं यहाँ पे। और इनका आटा नूडल्स भी अभी चालू है नया स्टार्ट में, वो भी बहुत अच्छा है। भाई रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ का, अगर और भी लोग आएंगे तो हम ज़रूर आपको रिव्यू दिखाएंगे सर। थैंक यू। तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए भर भर के। और जो भी पावर हाउस चौराहे के पास में है वो आता रहे यहाँ पे और साथ में फूड एंजॉय करें, बस यही कहते हैं। जो भी आएगा कॉमेंट करके बताएगा ज़रूर कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। ओके, बाय बाय।